आपका नाम पहले अगर बता दें आपको। हाय, आई एम गौरी वर्मा फ्रॉम खारगर। मैडम आप? आई एम अनु बेनी फ्रॉम मुंबई। क्यों ज्वाइन किया आपने, आप सर ये बताइए। मैंने अप्सरा इसलिए ज्वाइन किया, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, एक कॉर्पोरेट वूमन रही हूँ, 4 साल से सबैटिकल पे हूँ। एंड जब ये 4 साल मैंने होम मेकर की तरह बिताई है ज़िंदगी, तब लगा कि यू नो डिफ़िकल्ट कितनी है एक हाउसवाइफ की लाइफ। एंड मैं एक नॉर्मल एक एवरेज पर्सन हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताना चाहती हूँ कि वी आर नॉट एवरेज, इफ़ वी वॉट वी ड्रीम वी कैन डू इट। सो दिस प्लेटफॉर्म गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। थैंक यू टू आवर ऑर्गेनाइजर्स मैम हु गेव अस दैट अपॉर्चुनिटी, टू सर शेखर सर एंड श्रुति मैम। So it's like a dream for every woman. Madam, a big thank you to SS Associates and especially Mr. and Mrs. Panchal for creating this platform. I believe that beauty is just not about inner beauty, but also about the outer beauty, and we need to strike a balance. I see this as a platform where a lot of our perceptions about beauty are going to be broken. We are going to set new benchmarks for it, and I also see it as a platform for us to do something good back to the society. I see it that way. अभी आपका dream complete हो रहा है, तो कैसा feel हो रहा है? इस dream complete नहीं, अभी हम still dreamland में हैं, still we are not out of that dreamland. मतलब उम्मीद नहीं है क्या? नहीं, उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं है कि हम ये प्लेटफॉर्म तक आए, बिकॉज हम एक एवरेज, स्पेशली फॉर होम मेकर्स, हम अपने आप को बहुत एवरेज समझती हैं, लेकिन हम एवरेज नहीं, हम सुपर वूमन हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, फील लाइक आई इट्स स्टिल अ ड्रीम एंड आई वांट दैट ड्रीम टू कंटिन्यू। जी मैम, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, आप पहुँच गए तो क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि सब लोगों ने ट्राई करना चाहिए, हर एक की ज़िंदगी में सुंदर दिखना, सुंदर बनना, सुंदर लगना, ये हर एक को लगता है, और अगर हमको एक चांस मिलता है तो प्लीज़ ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इतनी सारी सुंदरियों में अगर आपको अप्सरा का ताज मिल गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं नीचे से उठूंगी, क्योंकि मैं चक्कर आके गिर चुकी होंगी कि मुझे ताज मिला है। एंड मैं हर किसी को ये बताना चाहूँगी कि मैं एक एवरेज हाउस मेकर कर सकती हूँ, तो वी ऑल आर स्टिल सुपीरियर, वी ऑल कैन डू इट, तो वी शुड गिव इट अ ट्राई एंड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स। सेम मैडम के लिए क्या कहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है शो, तो उनके लिए आपके पास क्या वर्ड है? एक्चुअली मेरा ये ब्यूटी पेजेंट में आना एक इंसिडेंट है, मैंने मैम को देखा है, मैंने मैम के बहुत इंटरव्यूज देखे क्लोजली, और उनके साथ बात भी किया बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पेजेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो लोग रहते हैं, उनका जो सोच है, उनका जो बिलीफ है और वो क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैंने जब भी उनकी इंटरव्यूज़ देखी या उनसे बात किया, मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी दिखी who wants to do something in life, not only for herself but for a lot of other women, and I really identify myself with her, and that's the reason why I'm here. I'm here not only to win the beauty pageant, also to see the beauty behind it. Thank you. Thank you.